नमस्कार, स्वागत है आप सबका यूएचएल स्पेशल एग्रीकल्चर में। आज हम बात करने वाले हैं धान की, काला नमक धान की खेती के बारे में। काला नमक धान एक ऐसी प्रजाति है जिसके दाने काले होते हैं, दाने कुछ कैसा रंग के होते हैं। इसके धान के जो है, धान की जो ऊपर से जो ले लगी होती है वो काली होती है। तो ऐसे में बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं और इसके बारे में पूरी तरह से रूबरू करवाते हैं कि काला नमक धान है क्या। लगभग 3000 वर्षों पूर्व भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में यह हमारे देश में आया था। उसके बाद से हमारे देश में इसकी खेती हो रही थी और इसका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि 5000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती रही। हरित क्रांति के समय, उसके बाद हरित क्रांति के साथ साथ इसका ह्रास होता रहा। आर्थिक लाभ को लेकर कोई भी अनुसंधान नहीं हुआ और वह कारण बन गया इसके ख़त्म होने का। किसान को फायदे के बजाय नुकसान हो रहा था क्योंकि उत्पादन काफ़ी कम होता है। इसकी लंबी प्रजाति थी, इसके कारण इसके जो है डंठल काफ़ी लंबे लंबे होते थे, जो बाद में थोड़ा भी हवा गए चल जाती थी इसके दाने पड़ने के बाद, और वो गिरकर एकदम से तहस नहस हो जाते थे, जिससे किसान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। यह लंबी अवधि तक इसे जो है, इसकी रोपाई के बाद लंबी अवधि तक जो है इसे खेत में सिंचाई, निराई गुड़ाई, उसके बाद में जो है खाद एवं उर्वरक देना पड़ता था और धीरे धीरे यह प्रजाति विलुप्त हो गई। भारत सरकार ने पहली प्रजाति 2016 में बौना काला नमक प्रजाति लेकर आई। उसके बाद में जो है इसकी बुआई की गई, जिसकी पैदावार अधिक ना अधिक थी और ना गिरने वाली फसल थी। उसके बाद में इसकी कंबाइन से कटाई होने लगी, इसमें भूसी की रंग काला होने लगा और जो है काफ़ी अच्छा उपज भी मिलने लगा। और जो सरकार ने लेकर आया फिर से, उसकी भूसी का रंग काला होता था लेकिन चावल का रंग हल्का सफ़ेद नीला लिए होता था। फिर से सुधार किया गया, फिर इसमें नई प्रजाति पैदा किया गया काला नमक किरण। इसकी अवधि पुराने धान से जो है काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बेहतर होने के कारण इसकी बुआई फिर से शुरू की गई और काफ़ी तेज़ी से काफ़ी दिन तक इसकी बुआई की गई और आज भी ये काला नमक धान की बुआई की जा रही है। आप हमारे खेत में देख रहे हैं कि किस प्रकार से धान की फसल जो है पूरी तरह से बालियां बाहर निकल चुकी हैं और जो है काफ़ी अच्छा हमें इसमें उपज देखने को मिल रही है। लेकिन फिर आगे हमें देखना है कि इसमें दाने कितने पड़ते हैं, कितनी चावल की मात्रा इसमें होती है, जो कि ये हमें कितना लाभ देगी, उसके ऊपर जो है किसान फिर से इस पर काम करना शुरू कर देगा। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इसमें प्रोटीन की मात्रा की अगर हम बात करें तो धान से जो है ये सामान्य जो तमाम प्रकार की प्रजातियाँ हैं काला नमक से हटकर अलग, उनसे 11% अधिक होती है, मतलब 3 गुनी होती है ये सामान्य धान में। 3 गुनी क्या कहें, 2 गुनी होती है। 3 गुनी तो जो पहले वाली प्रजाति थी उसमें थी। इसमें आयरन 3 गुना होता है, जस्ता 4 गुना होता है और यह शुगर फ्री होती है। जिसको भी शुगर डायबिटीज के रोगी जो हैं वो इसे काफ़ी आसानी से काफ़ी स्वादिष्ट चावल इसके खा सकते हैं। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स 49-40 होने पर, ना होने पर 52, किसी भी खाद्य पदार्थ का ग्लाइसिन मैक्स सफ़ेद चावल बिना पॉलिश किया हुआ तो हरा होता ही है। गोरखपुर की बाजार में इसके चावल जो हैं 120 रुपये किलो बिकते हैं और लखनऊ में 180 रुपये किलो प्रति केजी के हिसाब से बिकते हैं, जो काफ़ी महंगे होते हैं। बासमती को ये पीछे छोड़ देता है उत्पादन में भी और पैदावार में भी, और इसकी जो है किसान की आय होती है वो भी। इसकी एक प्रजाति आई है किरण। किरण जो है इसकी प्रजाति काफ़ी अच्छी प्रजाति मानी जाती है, काफ़ी जल्दी से पकने वाली प्रजाति। आप देख रहे हैं कि हमारे खेत में जो है काला नमक धान की खेती की गई है। अभी जितने प्रजाति के धान हैं सब में जो है कल्ले निकल रहे हैं, किसी में बाली निकल रही हैं, किसी में जो है अभी कल्ले फूट रहे हैं। लेकिन ये देखिए काला नमक धान की अगेती प्रजाति है जो एकदम से फूट कर
मतलब इसकी बाली पूरी तरह से निकल चुकी है। बासमती को पूरी तरह से टक्कर देता है। दुनिया के सभी चावलों से यह अलग ही है। यह कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। ग्लूकोज की अधिक मात्रा पाई जाती है। काला नमक का भात ठंडा होने पर भी नरम होता है, इसमें माइलेज अधिक होता है, जबकि बासमती का अगर चावल ठंडा हो जाता है तो काफ़ी अच्छा नहीं लगता है, काफ़ी ख़राब लगने लगता है, जबकि काला नमक का धान जो है काफ़ी इसके जो है चावल काफ़ी अच्छे लगते हैं। प्रोटीन इनमें दोगुनी होती है, सामान्य चावल से इसमें प्रोटीन दोगुनी होती है, जो काफ़ी हद तक स्वादिष्ट भी होती है और खाने में भी मज़ा आता है। लोहा भी अधिक होता है, आयरन, इसमें आयरन की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसमें जस्ता 4 गुना होता है, जो हमको बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। डायबिटीज काला नमक खाने वालों को नहीं होता है और दिक्कत भी नहीं होती है, शुगर फ्री है एकदम से। विटामिन ए पाया जाता है। काला नमक प्रकाश अवधि संवेदी फसल है। नर्सरी इसकी 12 से 15 मई में डाली जाती है और इसकी जो है बाली 12 से 15 अक्टूबर तक इसकी बाली जो है निकलने लगते हैं। और हमारे खेत में आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दी ही बाली इसकी निकल गई है। अक्टूबर में इसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। जब ये धान पूरी तरह से पकने लगे तब इसके खेत में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। जिस खेत में ये इस धान की रोपाई की जाए उसमें ज़्यादा दिन तक पानी ना रुके। और यह इस फसल की खेती जो है बलुई दोमट भूमि पर नहीं करना चाहिए। इसकी खेती हमेशा मटियार भूमि पर करनी चाहिए, जिससे कि मटियार भूमि पर इसकी खेती करने से जो है उपज हमें काफ़ी अच्छा मिलता है। इसलिए इसकी खेती मटियार भूमि पर करनी चाहिए, जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो बने रहिए वीडियो में, इसी के साथ फिर हम मिलते हैं अगली फसल में। अब इसमें जो है बालियां निकलना शुरू हो गई हैं, इसमें जो है दवा जैसे कुछ मक्खी वगैरह लग जाती हैं और जो है फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं, तो इसलिए इसमें दवा की आवश्यकता होती है। तो अब हम इसमें दवा का छिड़काव करेंगे और फिर आपको इसकी पूरी डिटेल अगली वीडियो में देंगे। बने रहिए वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब में करिए।